नहीं करते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तब आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी है। इस वीडियो में जो खास तरीके होते हैं जिससे आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं उसके बारे में हम जैसे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो तरीका है वो है जो वाइफ है यानी जो महिला है उनका फिटनेस लेवल क्या है। फिटनेस लेवल से मतलब है मेरा कि उनका कितना वजन होना चाहिए, उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए। दूसरा, उनको अपनी ओवुलेशन यानी जिस समय वो प्रेग्नेंट हो सकती है उसके बारे में पूरी जानकारी होगी तभी आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और तीसरा, अगर आपको इंटरकोर्स के समय में कुछ परेशानियां हो रही हैं तो उनको जानने से, उनका उपचार करने से आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो का फायदा हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है महिला का फिटनेस लेवल। फिटनेस लेवल का मेरा मतलब है कि एक महिला का कितना वजन होना चाहिए ताकि वो जल्दी प्रेग्नेंट हो पाए। आइडियल वेट कैलकुलेट करने के लिए आपको बीएमआई के बारे में जानना जरूरी है। बीएमआई जो होता है वो होता है बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स और ये बताता है कि आपकी हाइट के अनुसार आपका कितना वजन सही वजन है, यानी ये वजन आपका हेल्दी है और इस वजन पे अगर आप रहेंगी तो आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। महिला की फिटनेस यानी उनका एक सही वजन, उसके दो ही तरीके होते हैं, या तो आप एक्सरसाइज करें या आप अपनी डाइट पे ध्यान रखें। सबसे पहले हमें प्रेग्नेंट होने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, हमें एक बैलेंस्ड और नियमित डाइट लेनी है। बैलेंस का मेरा मतलब है कि आपकी प्रोटीन की मात्रा जो है वो खाने में ज्यादा होनी चाहिए, आपके जो शुगर है और फैट है उसकी मात्रा आपके खाने में कम होनी चाहिए, आपको कम तेल में खाना बनाना है और आपको ज्यादा पानी पीना है। क्या खा सकते हैं आप? प्रोटीन युक्त सारी चीजें खा सकते हैं, यानी आप दालें खा सकते हैं। आप अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो कोशिश करें कि जो आप मीट का प्रयोग कम करें, चिकन ज्यादा ले सकते हैं, आप अंडे ले सकते हैं और कोशिश करें कि आपकी डाइट में हरी सब्जियां और फ्रूट्स जो है उनकी मात्रा ज्यादा रहे। अब आपको क्या नहीं खाना है? आपको चीनी बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको कोशिश करनी है कि आप हफ्ते में एक या दो बार ही चावल का सेवन करें। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको तला हुआ नहीं लेना है। आपको मैदे से बनी हुई चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है। मैदे से बनी हुई चीजें क्या होती है? जो भी प्रोसेस्ड फूड होता है, यानी जो बिस्किट होते हैं, केक होता है या पास्ता है, पिज्जा है, बर्गर है, कई बार हम ये सब चीजें खा लेते हैं बट इससे हमारी जो फिटनेस लेवल है उस पर एक बुरा असर पड़ता है, हमारे हॉर्मोन्स पे बुरा असर पड़ता है, हमारे अंडों की क्वालिटी के ऊपर बुरा असर पड़ता है और प्रेग्नेंट होने में समय भी लग सकता है। जैसे हम फिटनेस की बात कर रहे हैं तो फिटनेस पे हमने पहले खाने की बात करी है, अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। एक्सरसाइज का मेरा मतलब है कि आपको दिन में कम आधा घंटा जरूर एक्सरसाइज करनी है। आप योगा कर सकती हैं, आप पास के बगीचे में सैर करने जा सकती हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा लेटना नहीं है या ऐसा ना करिए कि पूरा दिन बिस्तर में बैठे रहिए। इस आलसीपन से भी आपका फिटनेस लेवल कम होगा, आपके हॉर्मोन्स के ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा और बच्चा ठहरने में भी आपको दिक्कत आ सकती है। हाँ, ये इस बात का जरूर ध्यान रखें कि एक्सरसाइज से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करें, आप बिल्कुल ही जिम में लगातार एक्सरसाइज करते रहें या आप योगा का गुरु बन जाएं, ये सब नहीं होना चाहिए क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी आपके हॉर्मोन्स के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हेल्दी बॉडी के साथ एक और तरीका है जल्दी प्रेग्नेंट होने का और वो है हेल्दी माइंड। हेल्दी माइंड से मेरा मतलब है कि आपको टेंशन, एंजाइटी या स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। हो सकता है कि लोग, आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके फ्रेंड्स जो हैं, वो सब ये बात पूछते होंगे कि क्या बात है, अभी तक आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई, आप जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप इस बात का स्ट्रेस या इस बात की परेशानी अपने दिमाग में ले लेंगे तब भी आपको प्रेग्नेंट होने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए जल्दी प्रेग्नेंट होने का सही तरीका ये है कि आप अपनी माइंड को रिलैक्स रखिए और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए और प्रेगनेंसी अपने आप ही हो जाएगी। क्योंकि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो भी आपके जो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स हैं उसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा, आपकी प्रेगनेंसी में और भी दिक्कत आ सकती है। फिटनेस लेवल की बात अगर हम कर रहे हैं
तो हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि आप अपनी डाइट में रोज एक मल्टीविटामिन जरूर लीजिए। मल्टीविटामिन का मतलब है कि उसमें सारे विटामिन्स होने चाहिए, जिंक होना चाहिए, सेलेनियम होना चाहिए, मैंगनीज होना चाहिए। अगर आप ये टैबलेट रोज एक दिन में खाएंगे तो भी आपको जल्दी प्रेग्नेंट होने में सहायता मिलेगी। आप सुपराडाइन की टैबलेट ले सकते हैं, आप जेविट की गोली भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक और दवा आपको लेनी जरूरी है और वो है फोलिक एसिड। मैंने पहले भी अपने किसी वीडियो में बताया है कि फोलिक एसिड का सेवन करने से अगर हमारा बच्चा कंसीव होता है तो उसके अंदर जन्म के कोई डिफेक्ट नहीं होते हैं। तो फोलिक एसिड की एक गोली या आप बीलोंग एफ की टैबलेट लें या आप फोल वाइट लें, ये एक गोली आपको रोज सुबह नाश्ते के बाद प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीने पहले ही स्टार्ट कर लेनी चाहिए और ये हमें जल्दी प्रेग्नेंट होने में मदद कर सकती है। इसके अलावा फिटनेस लेवल में आपका विटामिन डी लेवल जो है वो भी नॉर्मल होना चाहिए। विटामिन डी की टैबलेट स्टार्ट करने से पहले आपको एक बारी अपना विटामिन डी का टेस्ट करवा लेना चाहिए और अगर आपका विटामिन डी लो आता है तो आपको या तो आप कैल्सिरोल सैशे ले सकते हैं। ये जो कैल्सिरोल सैशे है इसमें विटामिन डी का पाउडर होता है और ये आप 1 ग्लास दूध में डालकर हर हफ्ते इसका आप सेवन करेंगे तो ये भी आपको जल्दी प्रेग्नेंट होने में हेल्प करेगा। जल्दी प्रेग्नेंट होने का जो दूसरा तरीका है वो है कि महिला को अपनी ओवुलेशन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ओवुलेशन क्या होता है? ओवुलेशन हमारे मासिक चक्र का वो समय है जब अंडा और शुक्राणु दोनों ही तैयार होते हैं और इस समय अगर हम सेक्स करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई कपल्स को ये गलतफहमी होती है कि पूरा महीना अगर किसी भी दिन हम सेक्स करेंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, ये गलत है। पूरे महीने में कुछ ही दिन होते हैं जिस दौरान अगर आप सेक्स करते हैं तो प्रेगनेंसी जल्दी होती है और ये जो समय होता है इसे हम फर्टिलिटी पीरियड कहते हैं क्योंकि इस समय के दौरान आपकी ओवुलेशन होती है। ओवुलेशन के ऊपर हमने विस्तार में एक वीडियो बनाया है, इसका लिंक हमारी स्क्रीन में ऊपर आप देख सकते हैं और इस लिंक पर जाकर आप ओवुलेशन की पूरी जानकारी ले सकते हैं। लास्ट में मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कि हमने सेक्स किया और उठने के बाद सारा स्पर्म तो बाहर निकल गया तो हम प्रेग्नेंट कैसे होंगे। ये सवाल बहुत ही कॉमन है जो सबके माइंड में आता है तो आज मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। देखिए कि जो हस्बैंड का सीमन होता है, सीमन जो होता है वो एक पानी होता है, एक माध्यम होता है जिसके अंदर शुक्राणु यानी स्पर्म होते हैं। रिलेशन या सेक्स के दौरान ये सीमन जो है आपकी योनि यानी आपकी जो वजाइना है उसमें रिलीज होता है। इस सीमन के अंदर जो शुक्राणु होते हैं वो तैर सकते हैं और वो वजाइना के सिक्रीशंस और इस सीमन के माध्यम से जल्दी जल्दी जो है बच्चेदानी के मुंह के अंदर से बच्चेदानी में प्रवेश कर लेते हैं। तो अगर आप सेक्स करने के बाद तुरंत उठते हैं और कुछ पानी निकल जाता है तो घबराना नहीं है, जो शुक्राणु थे वो अंदर जा चुके होते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी आपके मन में ये डाउट है कि ऐसे करने से मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी तो आप सेक्स करने के बाद आधा घंटा बिस्तर पे लेट सकती हैं कमर के नीचे तकिया रखकर। आधे घंटे के बाद अगर आप उठते हैं तो तब तक काफी समय हो चुका होता है शुक्राणु को बच्चेदानी के अंदर जाने में। तो ये भी एक और तरीका है जल्दी प्रेग्नेंट होने का। जल्दी प्रेग्नेंट होने का एक और तरीका है इंटरकोर्स के समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको जानना और उसका उपचार करना। जो इंटरकोर्स के समय प्रॉब्लम होती है वो हस्बैंड में भी हो सकती है और वाइफ में भी हो सकती है। हम सबसे पहले वाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है इंटरकोर्स के समय दर्द होना। कई बारी इसको हम वैजिनिस्मस भी कहते हैं यानी कि इंटरकोर्स के समय महिला को इतनी दर्द और परेशानी है कि वो इंटरकोर्स नहीं करना चाहती है। ज्यादातर ये तब होता है जब आपकी नई नई शादी होती है या कोई भी साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है, जैसे हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ उस तरह का रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो जैसे ही इंटरकोर्स का समय आता है महिला बिना जाने ही अपने जो नीचे श्रोणि के मसल्स है उनको आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और इस समय अगर आप इंटरकोर्स के लिए ट्राई करती है या आपके हस्बैंड पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ही तकलीफ और दर्द हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो इस समय इसको अगर प्यार से और समझदारी से हस्बैंड डील करें तो काफी बारी ये अपने आप ही ठीक हो जाती है और कई बारी अगर ये नहीं होती है तो
तो आपको साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर की भी हेल्प लेनी पड़ती है। कई बारी जो इंटरकोर्स के समय जो दर्द होती है वो वाकई में ही किसी जेन्युइन कारण की वजह से होती है, यानी कि हो सकता है कि उस समय महिला को योनि में यानी वजाइना में कोई इन्फेक्शन है। अगर ऐसा होता है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, एंटीबायोटिक्स की ट्रीटमेंट के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि पुरुष के अंदर इंटरकोर्स के समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं पुरुष को एग्जामिन नहीं करती हूँ, तो अगर ऐसी दिक्कतें होती हैं तो आपको आपको या तो सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाना है या यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। पर साधारण तौर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पुरुष के अंदर जो इंटरकोर्स प्रॉब्लम्स होती हैं वो या तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होती है, या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होती है, या लेट इजैकुलेशन होती है। सबसे पहले हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि पीनस के अंदर वो तनाव या वो इरेक्शन नहीं आ रहा है सेक्स के समय, और ये ज्यादातर साइकोलॉजिकल कारण की वजह से होता है, या हो सकता है कि मेल के अंदर ये स्ट्रेस है कि मैं सेक्स में इरेक्शन कर पाऊंगा कि नहीं, कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं। तो इस समय आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार ये क्रॉनिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है। हो सकता है कि डायबिटीज की परेशानी हो, या हो सकता है कि हार्ट डिजीज हो। तो जो भी कारण है आप चिंता ना करें, आप अपने डॉक्टर के पास जाकर इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और इनका इलाज होता है। अब हम बात करते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो एक मिनट के अंदर अंदर पेनिट्रेशन के बाद आपका जो सीमन है वो रिलीज हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम पुरुष को बहुत परेशान करती है, और ज्यादातर इसका कारण जो होता है वो साइकोलॉजिकल कारण ही होता है, यानी कि आपको परेशानी ये है कि मैं सेक्स परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं, या मेरा जो इजैकुलेशन है वो सही होगा कि नहीं। इसके लिए भी आपको डॉक्टर से मिलना है और आपको ट्रीटमेंट लेनी है और ये ठीक हो जाता है। तीसरी बात हम करेंगे लेट इजैकुलेशन की। लेट इजैकुलेशन भी एक परेशानी है, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि आपका या तो पीनस में इरेक्शन नहीं हो रही है, या आपका सीमेन में निकलने में कोई रुकावट है। हो सकता है कि अंदरूनी कोई डक्ट